ओके तो दोस्तों, जब भी कोई सिस्टम बार बार लगातार हर बार हैक हो जा रहा है, वो बार बार हैक हो जा रहा है, हैकर लोग उसको बार बार हैक कर देते हैं, तो ऐसे में हैकर लोग यूज़ करते हैं बैकडोर का। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्या होता है ये बैकडोर, हैकर लोग कैसे बैकडोर का यूज़ करते हैं किसी सिस्टम को बार बार हैक करने के लिए। और जब भी मैं बात करता हूँ सिस्टम का, आप ये मत समझना ये एक सिंपल सा कोई कंप्यूटर है, सिंगल कंप्यूटर है। इसका मतलब ये है कि वो सर्वर भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कंप्यूटर सिस्टम को हम सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी मैं बोलूँ सिस्टम, तो आपका मतलब ये सब कुछ सिस्टम काउंट कर लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बैकडोर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो बैकडोर क्या होता है, ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सिस्टम हैक कैसे होता है। तो देखिए, जो हैकर होता है वो किसी भी सिस्टम को हैक करना चाहता है, तो उसमें कमियां ढूंढता है। ठीक है, उसमें क्या कमी है, किस तरीके से उसको हैक किया जाए। और हैकर लोग हैक करने के लिए किसी भी सिस्टम को यूज़ करते हैं फिशिंग अटैक्स, चाहे पेलोड्स, इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, ऊपर बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हैकर लोग यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट या किसी सिस्टम को हैक करने के लिए। तो जो हैकिंग का प्रोसेस होता है वो आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप आपने ओपन किया, दो तीन कमांड टाइप किया और आपका सिस्टम आपने हैक कर लिया। उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। अगर फिशिंग अटैक कर रहा है हैकर, तो फिशिंग का कोई पेज बनाएगा, किसी तरह से उसको उस एम्प्लॉय तक पहुंचाएगा जो उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, फिर उसमें वो यूज़र आईडी और पासवर्ड ये सब चीज़ें लेगा, तब जाकर वो उसको हैक कर सकता है। या फिर किसी तरह से उसको पेलोड भेजेगा जिसमें मेलिशियस कोड्स होते हैं, जिसके थ्रू वो उसको हैक कर सकता है। तो ये हैकिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, या कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि 10 मिनट में किसी चीज़ को आपने हैक कर लिया, 15 मिनट में हैक कर लिया, कोई टाइम नहीं होता है। आपको समय देना पड़ता है किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए। उसमें आपको कमियां ढूंढनी पड़ती है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या कमी है, किस तरीके से आप उस सिस्टम में अंदर घुस सकते हो। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। तो ऐसे में अगर कोई हैकर है, किसी सिस्टम पर अटैक कर लेता है, किसी भी तरीके से उस सिस्टम में घुस जाता है, तो उसको काफ़ी लंबा समय लगा। अब वो मान लो कि दोबारा से उसको यूज़ करना चाहेगा, उस सिस्टम में दोबारा से घुसना चाहेगा, कुछ और काम बचा हो, कोई और डेटा है उसको कॉपी करना हो, या फिर किसी भी तरीके से उसके सिस्टम में दोबारा से घुसने की ज़रूरत पड़े उसको, तो उसको फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर काफ़ी लंबा समय लगेगा। और बार बार अगर वो इस तरह के काम करता रहता है तो उसको पकड़े जाने का भी चांस होगा, क्योंकि फिशिंग अटैक वगैरह आप बार बार करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि बार बार लोगों को आप बेवकूफ़ बना ही लोगे, कभी ना कभी तो आप पकड़े ही जाओगे। तो ऐसे में काफ़ी रिस्क रहता है। जैसे में जब कोई हैकर किसी सिस्टम को हैक कर लेता है, उसके अंदर एक्सेस कर लेता है, तो उस सिस्टम में कुछ मैलिशियस प्रोग्राम, पेलोड या फिर कोई स्क्रिप्ट अपलोड कर देता है, ताकि जब उसको उस सिस्टम में दोबारा घुसने का काम पड़े, ज़रूरत पड़े, तो उसको बार बार उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़े। वो सिंपल से कुछ मिलियस कोड्स में डाल देता है, जिसके थ्रू वो इजीली उसके अंदर घुस सकता है, वो भी चुटकियों में। तो जो वो प्रोसेस, उसने जो काम किया वेबसाइट के अंदर, सर्वर के अंदर, वो सिस्टम के अंदर, जिसने वो अपना एक जगह बनाया उस सिस्टम के अंदर घुसने के लिए, जो स्क्रिप्ट उसने अपलोड किया या फिर पेलोड अपलोड किया, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है बैकडोर। यानी उसने खुद के लिए बाद में उस सिस्टम के अंदर घुसने के लिए एक रास्ता बनाया, एक दरवाज़ा खोल दिया कि जब मर्जी चाहे वो सिस्टम में एंट्री ले सकता है, घुस सकता है, इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है। तो बेसिकली इसी को कहा जाता है बैकडोर टेक्निकल भाषा में। तो अब हम समझते हैं इसी चीज़ को एक रियल लाइफ एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल, एक लड़की है जो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी है, उस पर हर लोग उसको दोस्त बनाना चाहते हैं, एक्चुअली में वो आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो उसके पापा को पता है कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, उसने अपने घर की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रखी है, जो बाहर की दीवार है 20 फीट ऊंची है, चढ़ नहीं सकते, चढ़ के उतर नहीं सकते, तो इस तरीके से वो घर काफ़ी सिक्योर हो जाता है। आप उससे मिलना चाहते हो तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि लड़की बाहर नहीं आती है। ठीक, अब आपको अंदर जाना है तो आप क्या करोगे, मेन गेट सिक्योर है, हर तरह की चीज़ें सिक्योर है, आप करोगे यही, उस जो दीवार है 20 फीट ऊंची, किसी भी तरीके से आप उसको क्रॉस करना चाहोगे। आपने क्रॉस कर लिया, ठीक है, आपने दीवार क्रॉस कर ली,
अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए, उससे बातें की, वापस आ गए, लेकिन अब दोबारा से आपको क्रॉस करना पड़े तो आपके लिए तो दिक्कत है। हो सकता है कि आप किसी दिन गिर जाओ या फिर पकड़े जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप कोई और रास्ता ढूंढ लो उसके अंदर जाने के लिए, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, चारों तरफ बड़ी दीवार है, तो आप उसमें खुद के लिए एक रास्ता बनाओगे। कोई ऐसी जगह, छोटी सी सुरंग हो सकता है, चाहे दीवार में कहीं आपने होल कर दिया जो किसी को ना दिखे, आप वहाँ से इजीली आ सकते हो और जा सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर सकते हो। यानी आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने के लिए जो 20 फीट का दीवार है उसको छोड़कर खुद के लिए एक रास्ता बना लिया, जिसके थ्रू आप इजीली जब मन तब अंदर और बाहर आ जा सकते हो। तो बेसिकली यही होता है बैकडोर। तो उम्मीद है अगर आपको पीछे वाले एग्जाम्पल से टेक्निकल वाले एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा तो इस वाले एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। गाइस यही है बेसिकली बैकडोर। हैकर लोग इसी बैकडोर का यूज़ करते हैं ताकि वो बार बार किसी सिस्टम को हैक कर सकें। तो यही है गाइस, आज के हैं वही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, अगर कोई सवाल हो जी कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि क्या आपने भी 20 फीट ऊंची दीवार क्रॉस की है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं फिल्म से वीडियो लेके आते रहता हूं। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।